CEN News, देश प्रदेश की ताजा तरीन खबरों के लिए CEN News को सब्सक्राइब करें और रहें पल पल की खबर से हर पल बाखबर। नमस्कार, मैं हूं राज पांडे, आप देख रहे हैं CEN News। आइए देखते हैं आज की खास खबर। अमृतसर के ब्यास में सीक्रेट हाई स्कूल में 8 साल की बच्ची जो कि दूसरी क्लास में पढ़ती थी, उसका 14 साल के स्टूडेंट द्वारा बलात्कार करने का मामला सामने आया है। बलात्कार स्कूल में ही किया गया है। पुलिस ने युवक को हिरासत में लेकर जांच शुरू की है। मेरा नाम नाव पड्डा है, पिंड कोट मुताबिक। सर एक तो पहला मैं ये गल कहनी चाहना कि जी आ घटना हुई है ना, इस तो आ जड़ी बच्ची नाल रेप होया, इस तो माड़ी घटना हो नहीं सकती, ना सोची जा सकती। वह भी साढ़े इलाके च हुई आ, असी तो समझते कि साढ़े घर च ही हुई, क्योंकि अं इतों लोकल हाँ, सानू आप शर्म आन डी है। पर इस स्कूल की मैनेजमेंट में मैनू तो लगता कोई शर्म ही नहीं हैगी। सैक्रड हार्ट कॉन्वेंट स्कूल ब्यास। मैं तो ये मंग करदा कि जिन्हें की उत्ते तो कार्रवाई होनी चाहिए आ, इस स्कूल से भी, स्कूल की मैनेजमेंट से भी कार्रवाई होनी चाहिए आ, क्योंकि फादर से भी होनी चाहिए, क्योंकि जिन्ना जिन्ना कसूर वह उन्ना ही कसूर इस मैनेजमेंट का आ। असी अपना बच्चा घरों पढ़ने लिए भेज दें, वो जेडे 6 घंटे आ वो साडा नहीं, इन्हों का बच्चा आ वो 6 घंटे, क्योंकि ये साढ़े को फीसा लेंदे आ, प्रॉपर फीसा लेंदे आ। एक वेखो हर साल आ बिल्डिंग फंड लेंदे आ, बिल्डिंग अपने लिए खड़े कर दिया, स्टूडेंटों को कहदे पैसे लेंदे आ। 4-5 दिन पहला दी गल आ, मेरे बेटे नूं धक्का मारता किसी ने, इत्थे उहदे सट लगी, अज भी उहदे स्टिच लगे आ, उदा ही घर आ। इन्हां ने कोई ज़्यादा कार्रवाई नहीं की, सिर्फ उदन फोन कर दिता जी तुहाडे बेटे दे सट लगी ते उहनूं डेरे लै गए। जदों इन्नी गल सुनी दी अपना दिल बाहर नूं आउंदा, रौला रप्पा पै गया, भज के उत्थे गए, इन्ना कोई नहीं वेख्या की बच्चा की उहदी, डॉक्टर कहिंदा कि थोड़ा जिहा उपर जांदा ते उहदी अख निकल जाणी है। इन्हां दी कोई जिम्मेवारी नहीं आ। इन्हां ने बाद च पुछया भी नहीं कि दसो जी कोई गल होई है नहीं हुई, बच्चा ठीक है जां नहीं ठीक। ये स्कूल नहीं, ये होटल आ, इन्हां दे एक पैसे कमाउण दा साधन बना लिया वा। 38 मिनट दा पीरियड आ ते 40-45 क्लास दे विच बच्चे आ, एक मैडम 45 बच्चों नूं 38 मिनट दे विच हाजरी भी नहीं मेरे ख्याल ला सकती, अटेंडेंस भी नहीं लग सकती। तो ये कहन डे कि असी स्कूल बड़ा वधिया चलाउण डे, मैनूं ते किसे गल दी समझ नहीं आउंदी। ये तो आडे प्रेस वाले वीरां दा धन्नवाद आ, सारिआं दा तुसीं उदम कीता ते इत्थों तक चुक्किआ, हो सकदा सी इह गल नूं नप्प दिंदे। नप्पी भी गई सी। ते जिहड़े रेप कीता, जिन्ने सुनन च आया कि उहदी सिस्टर ने इत्थे सुसाइड कीता सी। हाँ, वो थोड़ा देर पहला उहनां दे परिवार चों उस लड़की ने छत तों छाल मार के सुसाइड कर लिया। एक हैदराबाद चो, उस तो बाद दिल्ली दे विच इक मदभागी घटना जिहड़ी अज पंजाब दे विच होई है, लोकल अमृतसर दे विच, इहदे बारे तुसीं की कहणगे? मैं तो तुहानूं कहण डिया कि सानूं आप शर्म आउण डई आ कि साडे इलाके च इह घटना होई आ। साडे इलाके दी पुलिस प्रशासन नूं भी शर्म आउणी चाहीदी आ, ते सब तों वड्डी शर्म आउणी चाहीदी है स्कूल दी मैनेजमेंट नूं, फादर नूं, कि इहनां दे स्कूल इहनां दे घर दे विच इह घटना होई आ, ते इह हौली जी जवाब दे रहा कि DVR बंद हो गया। DVR बंद, दसो किन्ना किन्ना ईजी आ, है ना, हौली जी कह देना कि DVR बंद हो गया। जिन्हां नाल होई उन्हां नूं पुछो उन्हां दे दिल ते की बीतण डई आ। कोई ऐसे छेड़ छूड़ का कोई मसला आया हुआ है कि असी उसका इन्वेस्टिगेशन चल रहा है कि कर रहा है, उसके ऊपर FIR दर्ज हो गया, तो मुंडे ने उसी वक्त अरेस्ट करके लेके गया कि ये सच में जो हल गल सुन रहा है कि वो सच है कि नहीं, वो देख रहा है। पुलिस इन्वेस्टिगेशन से आप सहमत नहीं है? मैं पुलिस के नाल है, पुलिस का पूरा कार्रवाई दे नाल मैं सहमत है। ਹਾਂਜੀ ਮੈਮ, ਜਿਹੜਾ ਮਾਮਲਾ ਸੈਕਟਰ ਸਕੂਲ ਦਾ, ਕੀ ਮਾਮਲਾ ਜੀ ਰੇਪ ਦਾ? ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 8 ਸਾਲ ਦੀ ਬੱਚੀ ਸੀਗੀ, ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਆਈ ਸੀਗੀ ਸਕੂਲ ਵੱਲੋਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਹੋਈ ਆ, ਫਿਰ ਇਹਦੀ ਮਦਰ ਦੇ ਸਟੇਟਮੈਂਟ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਪਰਚਾ ਜਿਹੜਾ ਕੇਸ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਵਾ, 376 'ਤੇ ਫੈਕਟ ਲਾ ਕੇ ਪਰਚਾ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਕੇ, ਨਾਲ ਹੀ ਲੜਕਾ ਜਿਹੜਾ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਕੇ ਜੁਵਨਾਈਲ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਕੀ ਮੁੱਢਲੀ ਤਫਤੀਸ਼ ਕੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ? ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ, ਜੋ ਤਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਗੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਸਭ ਦੱਸੇ ਜਾਣਗੇ। ਦੋਨੋਂ ਬੱਚੇ ਮਾਈਨਰ ਆ? ਦੋਵੇਂ ਬੱਚੇ ਮਾਈਨਰ ਆ, ਲੜਕੀ 8 ਸਾਲ ਦੀ ਆ, ਲੜਕਾ 14 ਸਾਲ ਦਾ, ਦੋਵੇਂ ਬੱਚੇ ਮਾਈਨਰ ਆ।